नमस्कार, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक प्रकार का नर्व डैमेज है जो बहुत से डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ये न्यूरोपैथी किसी किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा माइल्ड और किसी किसी में बहुत ज्यादा सीवियर काइंड की देखने को मिलती है। इसमें मेनली हाथ और पैर अफेक्टेड होते हैं, नसों में बहुत ज्यादा झंझनाहट के साथ पेन की सेंसेशन होती है, बहुत दर्द होता है। इसी के साथ साथ पिन और नीडल जैसी सेंसेशन भी देखने को मिलती है, कई पेशेंट ऐसा फील करते हैं। और ज्यादातर पेशेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि पेन इस तरह का होता है कि जहां तक नसों को दबाया जाए तो बहुत आराम मिलता है, तो झंझनाहट और पिन और नीडल सेंसेशन वहां देखने को मिलती है। तो क्या आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में डायबिटिक न्यूरोपैथी का इलाज संभव है? क्या इस न्यूरोपैथी को, क्या इस नर्व डैमेज को रोका जा सकता है? तो बिल्कुल, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में डायबिटिक न्यूरोपैथी का ट्रीटमेंट काफी हद तक पॉसिबल है और इस डैमेज को रोका भी जा सकता है काफी हद तक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कि डायबिटीज या मधुमेह जो है वो एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके हम काफी हद तक मधुमेह या डायबिटीज से दूर रह सकते हैं, अपनी शुगर लेवल को बैलेंस रख सकते हैं, उसको नॉर्मल रेंज में रख सकते हैं। तो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी जब हमारी शुगर कंट्रोल में आ जाती है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी भी धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगती है। कुछ ऐसी सपोर्टिव ड्रग्स हैं जो इस नर्व डैमेज को ठीक करने में हमारी मदद करती हैं। उनमें फर्स्ट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अश्वगंधा और शतावरी के बारे में। अश्वगंधा बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, बॉडी की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के साथ साथ ही हमने जाना था कि ये बॉडी की रिपेयरिंग भी करता है, मसल रिकवरी भी करता है। इसी के साथ साथ शतावरी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण, एंटीऑक्सीडेंट से रिच होने के कारण, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से रिच होने के कारण शरीर की मसल रिकवरी को, नर्व डैमेज को काफी हद तक रोकती है और शरीर की रिपेयरिंग करने में मदद करती है। इन दोनों के अलावा एक दूसरी महत्वपूर्ण ड्रग है शिलाजीत। शिलाजीत हिमालय की चट्टानों में गर्मी में दबाव के कारण बनने वाला एक गोंदनुमा चिपचिपा पदार्थ है जिसके अंदर से बहुत ही तीक्ष्ण प्रकार की स्मेल या गंध आती है। बेसिकली जो गोमूत्र गंधी शिलाजीत होता है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा संहिताओं में उल्लेख मिलता है कि शिलाजीत से गोमूत्र के समान जो गंध आती है वो शिलाजीत बेस्ट माना जाता है। संहिताओं में इसे प्रमेय में रसायन भी कहा गया है, यानी कि डायबिटीज में इसे रसायन भी कहा गया है शिलाजीत को। तो शिलाजीत का भी प्रयोग डायबिटिक न्यूरोपैथी में बहुत फायदा पहुंचाता है। अब इन ड्रग्स को लेना किस तरीके से है उस पर बात करते हैं। अश्वगंधा और शतावरी के चूर्ण को दोनों को संभाग मिलाकर के या अलग अलग भी लिया जा सकता है। एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ दोनों चूर्णों को मिलाकर के लिया जा सकता है या अलग अलग भी ले सकते हैं। इसी चूर्ण में 1/10 पार्ट शिलाजीत का मिलाकर के, यानी कि चूर्ण के 10वें भाग शिलाजीत का पोर्शन मिलाकर के उस चूर्ण को सुबह शाम दूध के साथ में लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ जिस एरिया में, अफेक्टेड एरिया में जहाँ पेन हमें फील हो रहा है, उस एरिया में अश्वगंधा तेल की मसाज भी की जा सकती है। पत्रपिंड स्वेद भी ऐसी सिचुएशन में बहुत फायदा पहुंचाता है। तो इस तरीके से इन तीन महत्वपूर्ण ड्रग्स का प्रयोग करके हम डायबिटीज से होने वाले जो नर्व डैमेज है उसको काफी हद तक कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ जरूरी है कि डेली योगाभ्यास किया जाए, नियमित व्यायाम किया जाए और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई किया जाए। तो इस प्रयोग में 4 चांद लग सकते हैं, डायबिटीज से होने वाले नर्व डैमेज को काफी हद तक रोक सकते हैं।